एक बार मैं चाहता हूँ कि वो मदार शरीफ में एक बार सिर्फ याद तक अगर आ जाएंगे तो मुझ पर बड़ा एहसान हो जाएगा। लाखों के भी लश्कर में जो तन्हा दिखाई दे, जिस शख्स की तन्हाई भी लश्कर दिखाई दे, तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखा दो, तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखा दो, चादर जो ओढ़ ले तो पैगंबर दिखाई दे के मौला की तारीफ। आपने सुना मगर वो बच्चा है, महाराज के नाम पे बोलना चाह रहा है मगर बच्चा है, लोग उसकी बात कंफर्म नहीं समझ पा रहे। वो क्या कह रहा है कि सबसे बड़े वजीर है मलाए कायनात, सबसे वजीर है मलाए कायनात, सबसे बड़े वजीर है मलाए कायनात, सबसे बड़े अमीर है मलाए कायनात, सबसे बड़े 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 आदमी है मौलाए कायनात। ऐसे तो बादशाह भी देखे नहीं गए, 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 जैसे तेरे फकीर है मौलाए कायनात मलाई भी रहे और मोहित भी रहे। और वो है
मौलानी कल अली के हाथ में झंडा देना, जंगे खैबर की लड़ाई इंशाअल्लाह फतेह हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। 40वें दिन पर हजरत अली के हाथ में झंडा आ गया तो लड़ाई किस तरह हुई ये तो आपको पता ही है। कुछ विषय कहना सलाम करें मिश्रा, मेरा खुद ऐसा है कि आप बोल जाएंगे इंशाअल्लाह। गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है सूरज पर बुलाना। क्या बात है, सूरज पर बुलाना कोई आसान नहीं है। Yeah.
शक्तिशाली हो नहीं सकता, मन से युक्त होकर धैर्य बीमारी हो नहीं सकता, मैं
जैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। मैं कुछ दूसरे कहता हूँ कि सिर्फ आमद से मारा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फल बाकी है। सिर्फ आमद से मारा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फल बाकी है। और टॉप को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। और जब गला कटने लगा दीन से पहले शब्बीर, मुतमईन रहना, अभी मेरी पहन बाकी है कि मौला अली। हिम्मत है किसी में तो हिल के